पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नौसेना में शामिल हुई परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में विशाखापत्तनम में दूसरी अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। बता दें कि INS अरिघात भारत की परमाणु शक्ति को और मजबूत करेगी, साथ ही सामरिक संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करेगी। चलिए अब जानते हैं INS अरिघात के बारे में। यह अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी का उन्नत संस्करण है। इसका निर्माण नौसेना और DRDO ने मिलकर किया है। बता दें कि अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी को वर्ष 2016 में नौसेना में कमीशन किया गया था। यह भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका कोड नाम S3 है। इसे पोत के निर्माण में विशेष सामग्री, जटिल इंजीनियरिंग और अत्यधिक कुशल कारीगरी का उपयोग किया गया है। यह 6000 टन वजन वाली परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। यह स्वदेश निर्मित की 15 मिसाइलों से लैस होगी, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है। यह INS अरिहंत के साथ मिलकर देश की परमाणु त्रिकोण हवा, जमीन और समुद्र से परमाणु मिसाइलों को दागने की क्षमता को मजबूत करेगी। चलिए अब जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शन नो वरुण, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। मरीन कमांडो या मार्कोस भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है, जिसे युद्ध, आतंकवाद विरोधी विशेष अभियानों, बंधक बचाव और युद्ध का संचालन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। बता दें कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना को 3 कमानों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि। इन 3 नौसेना कमानों के अलावा भारतीय नौसेना का पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप में संयुक्त रक्षा कमान का एक भाग है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। INS अरिघात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण इसरो और DRDO ने मिलकर किया है। 2. यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।